अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर, पहले आज मैं बताता हूँ आपको कि हम करेंगे क्या, आज किस मौजू पे करेंगे। मोटापे पे पहले आपने फर्स्ट रमजान को प्रोग्राम देखा था, उसी को कंटिन्यू हम करेंगे कि अगले दो हफ्तों में हमें क्या करना है। दो हफ्ते का मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगा आज, तो उसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा। एक ठंडा मशरूब बनाना, वो किस तरह आपने लेना है, किस तरह पीना है, और एक गरम यानी कॉफ़ी नुमा कोई चीज़, और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने एडिशनल खानी है। पहली वीडियो में इससे आगे चलने से पहले सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल पे भी क्लिक कर दें, तो अगर अच्छा लगे आपको तो इसको शेयर भी कर दें। सबसे पहले पहला हफ्ता जो हमने किया था कि तीन दिन प्रोटीन डाइट, चौथे दिन दालें हैं, पांचवें दिन सब्जियां हैं, छठे दिन जो आपका दिल चाहे किस तरह था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सरसों के तेल में आप पराठा या सरसों के तेल में आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये वाला डाइट प्लान सेम उसी तरह चलने दें आप। उसमें एक दो तीन चीज़ें ध्यान में रखें, एक आपने चावल नहीं खाने पूरे इन दो हफ्तों में, और एक आप चीनी वाली चीज़ें, शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, ठीक है। बाकी मीठा लाजमी खाएं, मीठे फल लाजमी यूज़ करें, वो बहुत ज़रूरी है, मीठा भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन चीनी वाली चीज़ ना हो, मीठा खाने को दिल करे केला खा लें। तो और इस दफ़ा दो हफ्ते जो आप शाम, पहले मैंने जो आपको बताया था, पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बताया था कि फ्रूट चाट इस्तेमाल करें और उसमें चीनी ना डालिएगा। इस दफ़ा आप ये दो हफ्ते जो हैं फ्रूट चाट नहीं खाएंगे, कोई भी एक फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे केला खा लें, चाहे खरबूजा, चाहे तरबूज, जो आपका दिल चाहे। और सुबह शाम खाना उसी तरह ही, नाश्ता में नॉर्मल रखें जो सहरी है, उसमें आप पराठा भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सरसों के तेल का हो। और शाम को आप फ्राई चीज़ें, आलू निकाल दें, उसमें पकौड़े का इस्तेमाल कर लें वो ठीक है, लेकिन सरसों के तेल में हो, लेकिन उसके साथ सादा पानी हो, दूसरा ना हो। या मैं जो अभी पानी बनाना बताऊंगा आपको किस तरह करना है, वो आप कर सकते हैं। तो एक तो आप ये करें कि जब सहरी का मैं आपको बताऊं, सहरी आप दही का इस्तेमाल करें, दही कोशिश करें मिट्टी के बर्तन में जमाएं घर में। अगर मिट्टी के बर्तन में दही बनाएंगे तो उसकी तासीर और है, और अगर स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो उसकी तासीर और है। तो ठंडा होगा अगर मिट्टी के बर्तन में आप दही बनाएंगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, उस टाइम जो आप चाय वगैरह पीते हैं उसमें चाय की जगह अगर मैं आपको बताता हूँ वो ले लें तो वो भी ठीक है, या चाय अगर लेनी है तो उसमें आप इलायची का इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक एडिशन सुबह आपने ये करना है कि कलवंजी की एक चुटकी, यानी कि 10 से 15 दाने उसके मुंह में रख के कलवंजी उसको चबाना है, पीसी हुई कलवंजी ना हो। कुछ लोग पीस के उसमें शहद मिला रहे हैं, वो ना कीजिएगा। कलवंजी की एक चुटकी मुँह में डाल के उसको चबाएँ, और उसके बाद एक नीम गर्म ग्लास पानी का पी लें। ये आप सहरी के बाद कीजिएगा, सहरी खा के बिल्कुल एंड में कीजिएगा। तो सहरी मैंने आपको बता दी कि जो आपका दिल चाहता है खाएं, रोटी खा लें, पराठा खा लें, सरसों के तेल में सालन थोड़ा बहुत ले सकते हैं। सहरी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बहुत लंबा रोज़ा है, सारा दिन यानी 14 घंटे का रोज़ा है, तो ये लाजमी आप इस तरह सहरी को स्ट्रॉन्ग करें। जो मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि कलवंजी का इस्तेमाल, दैट्स ऑल, सुबह के लिए यही स्पेशल है। शाम के लिए, अब शाम, आजकल ज़्यादातर लोग शहरों में ये हो गया है कि इफ्तारी से सहरी तक लोग जाग रहे हैं, तो उस दौरान आपने क्या खाना है। इफ्तारी जिस तरह आप पहले बताया मैंने आपको, पकौड़े खा लें, कोई उसके साथ जो भी आपका दिल चाहे वो खा सकते हैं। फ्रूट एक खाना है, मिक्स नहीं करने इस दफ़ा फ्रूट आपने, इससे इंशाल्लाह कंफर्म दो हफ्ते में 5 से 6 kg वजन लूज होगा आपका। अब उसमें आप सहरी टाइम
एक पानी बना के रखेंगे जो आप अफतारी टाइम को पिएंगे। क्या होगा, अदरक का 2 इंच बाई 1 इंच का एक पीस, उसके साथ लेस खीरा, वो एक पूरा खीरा उसको काट के 3-4 हिस्सों में तकसीम कर लीजिएगा, यानी लंबाई रोक काट लीजिएगा। और इसके साथ लेमन, लेमन निचोड़ना नहीं है, 2 लेमन उसको काट के एक जग पानी में इन तीनों चीज़ों को डाल दें, डाल के उसमें पानी डाल दें, जग भर दें और उसको आप फ्रिज में रख दें। बाहर रखना है, फ्रिज में रखना है, जैसे आपको पसंद है। वो वाला पानी आप वो जग में 4 से 5 ग्लास भर जाएंगे, वो वाला पानी आपने अफतारी टाइम पीना है, अफतारी से लेके सहरी तक। अगर आपको और पानी की तलब हो तो उसमें आपने पानी डालते जाना है, जितना पानी पीना है उतना डालते जाना है, और सुबह सहरी तक कम से कम सहरी तक 10 ग्लास तो पिए, अफतारी से लेके सहरी तक। जो जाग रहे हैं लोग और जो सो जाते हैं वो सोने से पहले को 2-3 ग्लास पी लें और अफतारी सुबह सहरी के टाइम फिर उसी तरह पी लें। इसके साथ एक ये तो हो गया जो कोल्ड ड्रिंक है आपका, इसके साथ एक गर्म कहवा मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह बनाएंगे आप। दालचीनी 1 या 2 पीस, इलायची 1 पीस और इसके साथ सौंफ, सौंफ की पूरी 1 चम्मच, इसको आप 1.5 कप पानी में डाल के उबालेंगे और जब 1 कप रह जाएगा वो आप अफतारी के बाद, अफतारी से कोई 1/2 घंटा बाद, अगर आपने चाय पीनी है उससे पहले पी ले, मैं रोकता नहीं, लेकिन चाय इतनी अच्छी नहीं है, ये वाला कहवा आप इस्तेमाल करें, कन्फर्म इससे वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ये लाजमी नहीं है कि हर वीडियो में मैं आपको मेडिसिन ही बताऊँ कि उसी से कम होगा, आप ये वाले काम करें। तीसरा मैंने आपको बताया था कि सॉलिड चीज़ क्या खानी है, लहसुन, लहसुन की अगर पंजाबी में कहें तो लहसुन की 1 पोथी या लहसुन का 1 पीस, उस देसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, 1 पीस उसके 2-3 कट्स करके उसको छोटे छोटे पीस कर लें और उसको नीम गर्म पानी के साथ सुबह सहरी के टाइम भी खाएंगे 1 लहसुन की पोथी और अफतारी के टाइम भी खाएंगे। ये 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लहसुन से हमारी दवाई बनती है एलियम स्टाइवा, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो ये आपको ऐसे ऐसे पतला करना शुरू कर देगा। इसके साथ अगर आपने मेडिसिन लेनी ही है तो फाइटोलेकर बेरी आप ले सकते हैं, शुआबे की है वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ना लें तो कोई हर्ज नहीं है, आप यही वाला डाइट प्लान करें, सुबह जो मर्जी खाएं, साथ कलौंजी का इस्तेमाल करें, शाम को मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक का भी एक सारा बता दिया है कि किस तरह बना के रखना है, एक पानी और एक गर्म कहवा मैंने आपको बता दिया, ये वाला लाजमी करें। और इसके साथ एक चीज़ जो लाजमी आप लोग करेंगे अगर आप 6 किलो 2 हफ्ते में कम करना चाह रहे हैं, वो ये है कि आप अफतारी से ठीक 2 घंटे पहले सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, सिर्फ 15 मिनट की। उसमें ये है कि अगर तो आपने वॉक करनी है तो फिर कम से कम 30-35 मिनट, अगर आप 15 मिनट की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप कमरे के अंदर जंपिंग कर लें, लेडीज़ जो है जिस तरह रस्सा फैलांगती थी पहले वो कर लें, और प्लैंक्स मतलब उल्टा लेट के, प्लैंक्स एक एक्सरसाइज है कोहनियों पे लेट के और पाँव के पाँव पे खड़े होके वो कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के अंदर आपको उसके क्लिप्स दिखाने की किस तरह करना है। तो इससे आपको इंशाल्लाह 2 हफ्ते में, इसको 2 हफ्ते करिए रखिएगा, दरमियान में और वीडियोज़ आएंगी, अगली वीडियो मेरी फंगस पे आएगी इंशाल्लाह, नाखनों पे फंगस हो जाता है तो वो क्या उसका ट्रीटमेंट है और हम लोग क्या देते हैं, या पाँव के नीचे वार्ट्स जो बन जाते हैं वायरल उसको उसमें हम क्या देते हैं, ये दोनों पे वीडियो इंशाल्लाह 2 हफ्ते के दौरान आएंगी, देखिएगा ज़रूर। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को क्लिक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।